है दोस्तों, तो यहाँ पर फाइनली कुछ न्यू सिस्टम अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी का एक नया अपडेट मिला है, गैलरी का एक नया अपडेट मिला है और MIUI अल्फा लॉन्चर का भी एक नया अपडेट देखने के लिए मिला है। तो फटाफट से आप लोग को बता दे तो क्या क्या अपडेट में मिलता है, कैसे अपडेट कर सकते हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, अगर आप लोग Xiaomi का कोई भी डिवाइस यूज करते हो तो एक बार आप लोग अपने सिस्टम ऐप अपडेट में जाकर चेक कर लो। यहाँ पर काफी सारे डिवाइसों में एक नया अपडेट देखने मिला जो कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन का अपडेट है। अब मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी एप्लीकेशन का अपडेट कल भी देखने के लिए मिला था जिसमें एक नया गेम टर्बो देखने के लिए मिलता था, यानी कि गेम टर्बो 5.0 का एक नया अपडेट, नया फीचर देखने के लिए मिलता था बिल्कुल नए UI के साथ, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही वीडियो के जरिए बता दिया था। बट यहाँ पर अब जो सिक्योरिटी अपडेट है वो आपके डिवाइस में भी देखने के लिए मिल जाता है। जिनको नहीं मिला आप लोग चेक कर लेना, ये अपडेट कुछ यूजर को देखने के लिए मिला है, लेटेस्ट बिल्ड नंबर का अपडेट है और यहाँ पर आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, फिक्स नाउन बग्स और यहाँ पर इंप्रूव्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस, 70 MB की साइज देखने के लिए मिलती है। तो ये सिक्योरिटी का अपडेट रिलीज किया गया Redmi 9 Prime में और भी काफी सारे डिवाइसों में देखने के लिए मिला। जिनको नहीं मिला तो आप लोग चेक कर सकते हो, आपको अपडेट मिला होगा। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है MIUI अल्फा लॉन्चर का एक नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, एक नया अपडेट मिल जाता है और मैं आपको बता दूं, इस वीक में काफी सारे अपडेट आ चुके हैं MIUI अल्फा लॉन्चर के। तो एक और नया अपडेट आ चुका है, तो इसमें भी आपको विजेट्स के रिलेटेड ही छोटे मोटे बग्स है उनको फिक्स किए गए और यहाँ पर आपको जो भी विजेट्स में कुछ बग्स वगैरह मिलते थे तो वो चीज़ें ऑप्टिमाइज होकर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये अल्फा लॉन्चर का एक नया बिल्ड नंबर है, अगर इससे पहले वाले अपडेट में कोई बग्स मिलता है तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, फाइल मैनेजर का भी एक नया अपडेट देखने के लिए मिला है जिसमें लेटेस्ट बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर बग फिक्स एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों, गैलरी एडिटर का एक नया अपडेट देखने के लिए मिला है, 0.7.7 का एक नया बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है जो कि लगभग 80-90 MB की साइज देखने के लिए मिल जाती है। तो गैलरी एडिटर का भी एक नया अपडेट आ चुका है, यहाँ पर मिलता है आपको ऑप्टिमाइज गैलरी एडिटर परफॉर्मेंस, फिक्स बग्स एंड इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, जो बग्स वगैरह है उसको फिक्स किया गया, जो इंप्रूवमेंट्स है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट रिलीज किए गए कुछ सिस्टम अपडेट्स है तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। कल भी कुछ सिस्टम अपडेट्स मिले थे जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिए थे, जिसमें नया गेम टर्बो मिलता था, एक गैलरी का एक नया अपडेट मिलता था। तो जिन लोगों को यहाँ पर कल की वीडियो जिन लोगों ने अभी तक देखी नहीं, जाकर चेक कर लेना। जिनको वो सिस्टम अपडेट नहीं मिला तो आप लोग अपडेट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर सभी की लिंक्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी तो वहाँ से आप लोग अपडेट भी कर सकते हो, या फिर आप लोग सेटिंग में जाओ, सिस्टम ऐप अपडेट में जाओ, यहाँ पर आज आपको कुछ नए अपडेट शायद देखने के लिए मिले होंगे, जाकर चेक कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग ये सभी सिस्टम अपडेट्स मिले हैं या फिर नहीं, और जिसको मिले हैं तो भी आप लोग बता सकते हो क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले। बाकी ये जो अपडेट्स है, अगर आपको इसमें कोई भी बग्स मिलते हैं तो आप लोग इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, तो जो भी अपडेट्स आए मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आए, फटाफट से इसको लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।